हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो पार्ट 3 है मेरे मेकिंग गेम्स विदाउट कोडिंग ट्यूटोरियल का, और इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्ट 3 इंजन का एक बेसिक वॉक थ्रू लेने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि टेम्पलेट्स को ओपन करके हम लोग उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे उनको प्रिव्यू किया जा सकता है। इस वीडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे स्क्रैच से, पूरा बिगिनिंग से बनाएंगे, और हम सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है कंस्ट्रक्ट 3 के अंदर, कैसे आप इसके अंदर गेम्स बना सकते हो। सो शुरू करते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कंस्ट्रक्ट 3 के पेड वर्जन पे हूं, तो अगर आप फ्री वाले वर्जन पे हो तो काफ़ी सारे लिमिटेशंस आ जाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पेड वर्जन जो है उसको यूज़ करें। पेड वर्जन की डिटेल्स मैंने पार्ट 1 में दे रखी है, तो अगर आपने वीडियो वो वाली नहीं देखी तो देख लीजिए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सो मैं क्लिक करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक नाम देना रहता है, तो मैं इसको नाम देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस है प्रीसेट, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो एसडी लैंडस्केप रेट्रो स्टाइल, एसडी पोर्ट्रेट, 720p लैंडस्केप, 720p पोर्ट्रेट, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके गेम की रेजोल्यूशन है। इसका मतलब कि आपके स्क्रीन का साइज़ कितना होगा उसके ऊपर ये सब डिपेंड करेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एग्जांपल देने के लिए एक पोर्ट्रेट साइज़ ले लेता हूँ, एसडी पोर्ट्रेट 9:16 की। और जैसे ही मैं ये क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो व्यूपोर्ट की साइज़ चेंज होती है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने एसडी लैंडस्केप दिया है तो फिर यहाँ देखो 854x480 आपका रेजोल्यूशन दिखा रहा है, मतलब व्यूपोर्ट की साइज़। और अगर मैंने पोर्ट्रेट लिया तो वो वैल्यू स्विच हो गई, यहाँ पर 480x854 हो गया। ओरिएंटेशन मतलब सेम चीज़ कि आपका गेम पोर्ट्रेट होने वाला है या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब ये है स्टैंडिंग। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ पोर्ट्रेट गेम की, तो सबवे सर्फर पोर्ट्रेट है, टेम्पल रन पोर्ट्रेट गेम है, टॉकिंग टॉम कैट पोर्ट्रेट गेम है। लैंडस्केप गेम की अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो GTA वाइस सिटी मोबाइल लैंडस्केप है, पबजी मोबाइल लैंडस्केप है। तो स्टैंडिंग वाला जो ओरिएंटेशन है उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, जो स्लीपिंग ओरिएंटेशन है मतलब वाइड ओरिएंटेशन उसको हम लोग लैंडस्केप बोलते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग पोर्ट्रेट ले लेंगे। ऑप्टिमाइज फॉर पिक्सल आर्ट को हम लोग को चेक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पिक्सल आर्ट वाली गेम नहीं बना रहे। और ये सारी सेटिंग होने के बाद मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो गई अपने सामने। आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर प्रॉपर्टीज़ का कुछ आपको दिख रहा है, बीच में आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, और ऊपर जो है स्टार्ट पेज, लेआउट 1 और इवेंट शीट, ये 3 टैब्स दिख रहे हैं। एक्सप्लोर करते हैं आप धीरे धीरे एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें है क्या। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो प्रोजेक्ट फोल्डर्स है, बहुत सारे फोल्डर्स है उसके अंदर। बराबर से आप इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और नीचे लेयर्स हैं, जो हम लोग ने ये सारा जो लेआउट है वो प्लेलिस्ट के पार्ट 2 में हमने देखा था। शुरू करते हैं हम ये देख के अभी कि एग्जैक्टली इंजन को यूज़ कैसे किया जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर में एक ऑब्जेक्ट लेंगे, एक सर्कल लेंगे, और वो सर्कल को हम लोग कीबोर्ड के ऊपर मतलब राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप और डाउन, ये एरोज यूज़ करके वो सर्कल को मूव करेंगे। सो अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले मेरे को राइट क्लिक करना पड़ता है, और राइट क्लिक करके इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट करके ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी है, बट उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा ऑब्जेक्ट्स का। जैसे मैंने इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, एक बहुत सारे एक ऑब्जेक्ट जो अवेलेबल है, टाइप्स अवेलेबल है, वो सारे आपके सामने दिख जाएंगे आपको। फिलहाल मैंने आपको बोला कि मुझे एक सर्कल लेना है, तो सर्कल मतलब सर्कल एक इमेज है, और कंस्ट्रक्ट 3 के अंदर इमेज जो है उसको स्प्राइट बोला जाता है। तो जैसे आप सामने देख सकते हो, थोड़ा स्क्रोल करोगे नीचे, यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट टाइप्स है। ये सारी चीज़ें हम थोड़े एडवांस ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लोर करेंगे, बट फिलहाल बेसिक्स के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो अपना काम यहाँ पे डेटा स्टोरेज, फॉर्म कंट्रोल्स, और उसके नीचे एक जनरल टैब है। तो जनरल टैब के अंदर स्प्राइट का ऑप्शन है, हमें ये वाली चीज़ लग जाएगी। और दूसरी भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, स्प्राइट फॉन्ट, टेक्स्ट, टाइल बैकग्राउंड, टाइल मैप, पार्टिकल इफेक्ट, शेडो लाइट, फेसबुक 9 पैच, ये सारी। बट अभी फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ काम का है स्प्राइट। तो स्प्राइट को सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, और एक बार मैंने इंसर्ट क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरा कर्सर चेंज हो गया। अब यहाँ पे कर्सर में एक छोटा सा प्लस दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट तो कर लिया बट उसको अभी आपने प्लेस नहीं किया है कहीं पे। और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में आपके देख सकते हो ऑब्जेक्ट टाइप्स में
ऑब्जेक्ट टाइप्स के अंदर स्प्राइट करके एक कुछ नया चीज़ आ चुका है, बट ये अभी सीन के अंदर है नहीं, कहीं पे आपको सीन के अंदर ये स्प्राइट दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को ये प्लस दिख रहा है तो एक बार स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एक ओपन हो गया नया विंडो एनिमेशन एडिटर स्प्राइट करके। अभी यहाँ पे जो स्प्राइट है यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो बेसिकली। यहाँ पे अभी मैंने आपको बोला कि मुझे एक सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे एलिप्स करके ऑप्शन है, तो एलिप्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं उसका कलर सेट करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप कोई भी कलर सेट कर सकते हो। मैं अभी सेट करूँगा इसको एक येल्लो सेट करूँगा, क्योंकि येल्लो मेरा फेवरेट कलर है। एलिप्स के ऊपर मैंने क्लिक रखा है और यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज किया है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो अब मेरा ये सर्कल बन चुका है। ओके, सो अभी मेरा सर्कल रेडी है, और मेरे हिसाब से इससे अभी काम चल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि इसके अंदर आपको कोई इमेज वगैरह लोड करनी है, एक्सटर्नल इमेज, तो वो भी आप कर सकते हो, बट उसकी ट्यूटोरियल थोड़ी हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे काम के ये सारी चीज़ें, पैरामीटर्स काम के नहीं है, ना ही हमारे काम के ये ऊपर के चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको एक्स दबा देता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही मैंने एक्स दबा दिया ये देखो आपको यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल दिख गया। इसको अभी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, बट आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बराबर से कंट्रोल नहीं मिल रहा है। तो इसको अगर आपको यूनिफॉर्मली स्केल करना है, मतलब पूरा का पूरा प्रॉपर स्क्वायर टू स्क्वायर रेजोल्यूशन में स्केल करना है, तो शिफ्ट दबा के रखो और फिर क्लिक करके इसको छोटा बड़ा करो। इसकी साइज़ को छोटा बड़ा करने का एक और तरीका है, मैं कंट्रोल जी दबा रहा हूँ, और जैसे ही मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। ऊपर सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसका नाम, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसको नाम बना देता हूँ बॉल। नीचे जो है ग्लोबल प्रॉपर्टी, वो थोड़ी एडवांस है, वो अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं देख रहे। हम लोग बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा कम्फर्टेबल लगे इसमें काम करना। फिर आगे जाके धीरे धीरे आगे की प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। फिर कॉमन प्रॉपर्टीज़ में आपको दिख सकता है यहाँ पे कि ये पोजीशन है, इसका मतलब कि अगर मैंने इसको मूव किया तो उस हिसाब से इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, अगर मैंने सर्कल को यहाँ पे ले लिया तो इसकी जो पोजीशन है 0.0 यहाँ से स्टार्ट होती है, और 0.0 यहाँ पे है। और अगर आपको याद होगा हमने जो रेजोल्यूशन लिया था वो था अपना 480x854, तो अगर मैं इस सर्कल को यहाँ पे डाल देता हूँ तो इसकी पोजीशन हो गई 480x854। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एक्सेस है वो अपना एक्स पॉजिटिव है, और ये नीचे वाला जो एक्सेस है ये अपना वाई पॉजिटिव है। अभी इसके नीचे जस्ट एक प्रॉपर्टी है साइज़ की, यहाँ पे आप देख सकते हो 250x250। मुझे ये सर्कल अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर सिंपली टाइप कर दूँगा 50x50 और एंटर प्रेस कर दूँगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया ये 50x50 छोटा हो गया, अपना सर्कल थोड़ा पहले बड़ा था अभी छोटा हो गया। नीचे है इसका एंगल, एंगल तो ऑफ खैर अभी मैटर नहीं करता क्योंकि सर्कल है। ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हो, 50% कर दिया तो ये सर्कल थोड़ा लाइट हो गया। फिलहाल के लिए हम लोग इसको 100% ही रखते हैं, और इसके आगे और थोड़ी चीज़ें हैं, कलर है, फिर लेयर है, वो हम थोड़ा आगे एक्सप्लोर करेंगे। अभी सबसे पहला अपना टारगेट ये है कि इस सर्कल को हमें मूव कराना है विद आर कीबोर्ड इनपुट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट के अंदर आपको कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो हर एक चीज़ का एक ऑब्जेक्ट है। जैसे आपने स्प्राइट का ऑब्जेक्ट ले लिया, वैसे सिमिलरली अगर आपको कीबोर्ड यूज़ करना है ना तो कीबोर्ड का भी एक ऑब्जेक्ट है। आपको क्या करना पड़ेगा, वापस राइट क्लिक करना पड़ेगा, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आप सर्च में टाइप करो कीबोर्ड, और जैसे ही आप कीबोर्ड टाइप करोगे आपको सामने दिख जाएगा इनपुट का जो पैनल है वहाँ पे आपको कीबोर्ड दिख जाएगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे अगर देखोगे इनपुट वाले पार्ट में तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। मुझे पता था मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए और डायरेक्टली मुझे ये कीबोर्ड ऑब्जेक्ट मिल गया। सो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ, और इंसर्ट कर दिया तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको मैसेज दिख जाएगा कीबोर्ड दिस ऑब्जेक्ट इज़ नाउ अवेलेबल टू द एंटायर प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि मैं अभी कीबोर्ड वाले जो इनपुट्स हैं वो ले सकता हूँ। अभी इसका जो फंक्शनैलिटी है, अभी देखो यहाँ पे आपको सामने ये बॉल तो दिख गया, बट अभी कीबोर्ड का हम लोग को जो ये बॉल को पता कैसे चलेगा कि कीबोर्ड पे साइड में मूव होना है, ऊपर मूव होना है।
तो उसका सिंपल तरीका ये है, वो सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी है वो हमारी डिफाइंड होगी इवेंट शीट में। अभी इवेंट शीट वन दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ लेआउट वन के ऊपर, तो लेआउट वन के जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट शीट करके कुछ है, और इवेंट शीट के अंदर यहाँ पे मेंशनड है इवेंट शीट वन। तो वापस आप राइट हैंड साइड में आपके देखोगे तो इवेंट शीट वन आपको इवेंट शीट्स के फोल्डर के अंदर दिख रहा है। डबल क्लिक करते देखते अभी देखो ये पूरा का पूरा एम्प्टी है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि टू स्टार्ट एडिंग इवेंट्स क्लिक ऐड इवेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी टाइप की फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसे इवेंट बोला जाता है कंस्ट्रक्ट थ्री में, और हम लोग अभी ट्राई करेंगे कि इवेंट डाल के कि आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें सबसे पहला इवेंट इसमें ये डालना है कि कीबोर्ड का राइट वाला एरो प्रेस हुआ है, तो सबसे पहले मैं ऐड इवेंट डाल देता हूँ। हमें कीबोर्ड वाला इनपुट जानना है तो कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट दबा देता हूँ। की कोड इज़ डाउन और की कोड इज़ प्रेस्ड और की कोड इज़ रिलीज्ड, इतनी सारी आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रही है यहाँ पे। तो अगर आपको पता है कि कीबोर्ड का की कोड क्या है, की कोड बेसिकली होता है आपका ASCII कीज। अगर आपको ASCII टेबल पता होगा तो ASCII टेबल के यहाँ पे आपके सारी जो कीबोर्ड की कीज़ है उनका एक नंबर असाइंड रहता है, बट फिलहाल वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसलिए मैं सिंपल की इज़ डाउन वाला फंक्शन लूँगा, और की इज़ डाउन को प्रेस करके मैं नेक्स्ट दबाऊँगा, और यहाँ पे की के ऊपर क्लिक करके अभी मुझे एरो की प्रेस करनी होगी। तो मैं राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डिटेक्ट हो गया राइट एरो, और वो प्रेस करने के बाद ओके क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे आ गया राइट एरो, मैं डन करता हूँ, और यहाँ पे अपना सबसे पहला इवेंट क्रिएट हो चुका है। अभी कंस्ट्रक्ट थ्री को ये पता चल गया कि कीबोर्ड यहाँ पे डाउन प्रेस हुआ है। इसको अभी टेस्ट कैसे करेंगे, सिंपल है। हम क्या करेंगे, ये वाला जो सर्कल हमने बना रखा है लेआउट वन के अंदर, देखो अगर आपको लेआउट और इवेंट शीट के अंदर स्विच करना है तो बहुत ईजी है। आपको सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे ये वाले फोल्डर में मिल जाएंगे, या फिर यहाँ पे आपकी टैब्स भी खुली है, आप वहाँ से भी स्विच कर सकते हो। तो मैं वापस आता हूँ इवेंट शीट में, मुझे भी लेआउट वन में क्या करना है कि सर्कल को मैंने जैसे ही एरो की प्रेस की मेरे को राइट में मूव करना है बाय 1-1 यूनिट या फिर 10-10 यूनिट्स करते। तो मैं इवेंट शीट में आता हूँ वापस, ऐड एक्शन करता हूँ। अभी हमें पता चल गया कि कीबोर्ड का राइट एरो प्रेस्ड है, मैं यहाँ पे ऐड एक्शन करता हूँ। अभी हमें ये बताना है कि कीबोर्ड के राइट एरो पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। ऐड एक्शन पे क्लिक, बॉल मूव करना है हमको तो बॉल के ऊपर क्लिक, नेक्स्ट सेट पोजीशन। अभी आपको अगर थोड़ा टाइप करोगे पोजीशन तो मुझे सेट पोजीशन मिल जाएगी। यहाँ पे हमें एक्स वाली पोजीशन है उसको चेंज करना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। उससे पहले मैं आपको बेसिक फंडा बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ये जो अपना बॉल बनाया हुआ है इसकी एक्स और वाई पोजीशन यहाँ पे मेंशनड है। इसको अगर हम एक्सपांड करें पोजीशन वाले टैब को तो ये देखो यहाँ पे एक्स मेंशनड है और वाई मेंशनड है। हम इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसको मैंने अगर 300 किया यहाँ पे तो देखो ये वाला थोड़ा मूव हो गया, बट खैर मैं कंट्रोल सी प्रेस करके इसको वापस वहाँ पे लाता हूँ। अभी हम देखेंगे इसकी एक्स वाली पोजीशन है उसको कैसे हम मॉडिफाई करेंगे। सिमिलरली आता हूँ फिर से ऐड एक्शन, बॉल और सेट पोजीशन। तो पोजीशन यहाँ पे टाइप करता हूँ ये वाले एरिया पे, और यहाँ पे हमें दिख गया सेट एक्स, नेक्स्ट, और अभी मुझे बॉल की जो पोजीशन, अभी देखो कितना सिंपल है, बॉल यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ये ऑब्जेक्ट का नाम, हमारे जो ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट एक्स, ओके ये कैपिटल वाला एक्स है तो यहाँ पे मैं कैपिटल एक्स टाइप कर देता हूँ प्लस 10। इससे मुझे कंस्ट्रक्ट थ्री को ये बताना है कि ये जो बॉल है उसको एक्स में 10 यूनिट से मूव करो, और इसको मैं डन कर देता हूँ। और ये देखो ये अपना रेडी हो गया, सबसे पहला इवेंट शीट का सबसे पहला फंक्शनैलिटी। तो लेआउट वन पे फिर से आता हूँ, यहाँ पे आपको प्ले का बटन दिख जाएगा, प्रीव्यू ऑप्शन है ये, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मैं अभी यहाँ पे राइट एरो दबाने वाला हूँ। तो ये देखो राइट एरो दबा दिया तो ये सर्कल, तो ये बॉल राइट में मूव होने लग गया। अभी खैर ये तो स्क्रीन से बाहर चला गया, तो मैं अभी इसके दूसरे भी इवेंट्स बना देता हूँ। फट से हम लोग कीबोर्ड के सारे इवेंट्स बना देते हैं जिससे कंस्ट्रक्टी को ये पता चलेगा कि राइट वाला एरो है उससे राइट में जाना है, लेफ्ट से लेफ्ट में जाना है, और अप से अप और डाउन से डाउन। सो ऐड इवेंट फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, कीबोर्ड की इज़ डाउन, वापस की चूज़ करेंगे लेफ्ट वाला ए टाइम लेफ्ट एरो, ओके डन।
इसको अभी मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। देखो, मेरे को इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी दबाऊंगा। कंट्रोल सी दबाने के बाद ये वाले फंक्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट, या फिर आप मैन्युअली भी कर सकते हो जैसे हमने पहले किया था। अभी ये वाला कोड सेम रहेगा इसलिए इसको मॉडिफाई करना बहुत सिंपल है। देखो, इसके ऊपर बस आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपका ये वापस फंक्शनैलिटी ओपन हो गया। इसका मतलब यह है कि आपने जो पहली प्रोसीजर की थी वो आपको वापस नहीं करनी पड़ी। बट फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए एक और बार वो प्रोसीजर रिपीट कर दूंगा। यहाँ पे अभी प्लस के बदले हमें सिर्फ माइनस करना है। अभी देखते हैं वो दूसरी प्रोसीजर वापस कैसे करते हैं। कीबोर्ड, फिर पोजिशन में की इज़ डाउन, की के ऊपर क्लिक करना है, अप एरो, ओके, डन। यहाँ पे मैं एरो की फिजिकली दबा रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऐड एक्शन, बॉल, नेक्स्ट। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पोजिशन। अभी यहाँ पे देखो, अभी अप एरो पे हमें बॉल को ऊपर नीचे मूव कराना है, ऊपर मूव कराना है। सो यहाँ पे मैं सेट वाई करूँगा, सेट वाई, नेक्स्ट, फिर से बॉल डॉट कैपिटल वाई, क्योंकि हमें इसकी वाई पोजिशन को मूव कराना है, प्लस 10, एंटर। अभी सेम चीज़ कीबोर्ड के डाउन एरो पे, कीबोर्ड की इज डाउन, क्लिक किया की पे, डाउन एरो प्रेस किया मैंने कीबोर्ड पे, ओके दबा दिया, डन, ऐड एक्शन, बॉल, पोजिशन, सेट वाई, बॉल डॉट वाई, और यहाँ पे -10। और जैसे ही मैंने ये दबा दिया, मैं लेआउट वन के ऊपर फिर से आ जाता हूँ, प्ले बटन दबाते हैं, और ये देखो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, अरे ऊपर नीचे थोड़ा मेरा उल्टा हो गया बट खैर, इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अप इज़ डाउन, अप पे वो, अच्छा हमारा एक मिस्टेक हो गया, बाय माइनस करना चाहिए और यहाँ पे प्लस करना चाहिए, क्योंकि अपना जो एक्सेस है वो अलग है। सो देखते फिर से, लेआउट वन, प्ले, हाँ अभी मैंने ऊपर का एरो दबा दिया, ऊपर जा रहा है, नीचे का एरो दबा दिया, नीचे जा रहा है, राइट दबाया, राइट जा रहा है। सो दोस्तों, यही है बेसिक कंस्ट्रक्ट का एक वर्किंग सैम्पल। इसके आगे हम और थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे अगले वाले पार्ट में। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।